गांजा का इन्फॉर्मेशन आया, सस्पेक्टेड मूवमेंट में लोग लाए बोल के ड्रग्स में का बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आया था। इमिडिएटली हमारा क्राइम इंस्पेक्टर अशोक को हमारा SHO ने भेज दिया, तो उधर तीन लोग सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मिले हमको। उसके पास एक प्लास्टिक कवर था, उसको चेक किया तो उसमें गांजा मिला है। और उनके साथ तीन लोग हैं, एक लोगों का इंक्वायरी करें तो एक का नाम है मलेश है, दूसरा उमेश शाह है, तीसरा मुखिया साई कुमार नायक है। ये तीन लोगों की इंटरागेशन करें तो ये बोल रहा है कि ये 8 kg गांजा एक 10 दिन के पहले वो आदिलाबाद से तुकाराम के बोल के एक आदमी है, उन्हें उधर लोकल गांजा का प्लांटेशन करके उधर से इधर हैदराबाद को या बेंगलोर को सप्लाई करता है, वहाँ से ला लिया। वो 2 kg का गांजा ऑलरेडी वो लोग सेल कर दिया और 6 kg का गांजा हमको कल मिला है। उसके पास साथ साथ और एक ग्लैमर बाइक भी मिला है, 3 cell phones उनके साथ मिला है और एक नेट कैश अराउंड 72,500 rupees नेट कैश भी उनके साथ हम सीज किया है। फर्दर इंक्वायरी में ये रिवील किया कि मल्लेश का आदमी के ऊपर और भरत के ऊपर पहले भी हमारा पास केसेस है। महिला डिपेल में एक केस है और राजेंद्र नगर में एक है, आसिफ नगर में है, नारसिंह में है। और ये बुकिया साई कुमार नायक जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ हैदराबाद काम कर चुका है और अभी वो बेंगलोर तबादल हुआ, वो बेंगलोर में उधर सप्लाई कर रहा है। वो क्या है पूरा कस्टमर्स को करके उन्हें इन लोगों को बोल देते, वो लोग आके कर देता है। ये लोग क्या करता है, एक 50 ग्राम का एक एक पैकेट करके डोर डिलीवरी सर्विसेज देता है, इसलिए उन लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सो उस डोर डिलीवरी में रेट का भी 500 हो सकता है, उनका शेयर बाजार जैसा नीचे ऊपर डिमांड एंड सप्लाई उसके ऊपर वो चलता है। और ये लोगों को, तीन लोगों को हम गिरफ्तार करें अभी, मल्लेश, उमेश शाह, बुकिया साई कुमार और तीन लोग अब स्कैंडिंग में, एक भरत है, सुधाकर है, तुकाराम है, इन लोगों के लिए एक सेपरेट टीम लगा है। वो लोगों को भी जल्द से जल्दी हम अरेस्ट कर देता है। इस सिलसिला में, इस मामले में अच्छे काम करे से हमारा SOT इंस्पेक्टर प्रवीण रेड्डी और हमारा DI साहब अशोक, SHO सुरेश साहब लोगों को बधाई दे रहा है और रिवार्ड्स भी देने का कमिश्नर साहब ने डिसीजन ले लिया है। ట్రాన్స్ఫర్